हेलो मेरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं हूँ पवन कुमार शर्मा, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्कोर में। मैं आपको आज क्वाडलेटर का 10C का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 आज कराऊंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है 10C के पीछे वाली एक्सरसाइज, तो ज़रूर उनको देखें। और बहुत अच्छे से मैंने उसे कंप्लीट किया है, उसे ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी बुक में लिखा होगा, आप अच्छे से रीड कर लो। किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे आपको रीड करना पड़ेगा। व्हाट इज गिविंग, व्हाट इज फाइंड, दो चीज़ें आपको ध्यान रखना, क्या हमें दिया गया, क्या हमें निकालना है, ठीक है। दो चीज़ पे आप वर्क करेंगे तो एवरी क्वेश्चन, अब हर ईच क्वेश्चन कर सकते हो, उसको कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन हो इजीली आपको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, अच्छे से आप सामने बुक रखी होगी, आप इसे देखना बोर्ड पर, ठीक है बच्चों। यहाँ फोकस करना, तो मैं जब पढ़ रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अब कह रहा है कि हमें मेजर करने हैं, ठीक है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं, ठीक है, उनकी मेजर दी गई 4:5, दो एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं, वो भी किस रेशियो फॉर्म में दिए गए, एक बात आपको पता चल गई। अब आगे पता, फाइंड द ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैंने बच्चों शॉर्ट में लिखा, पैरेललोग्राम पैरेलोग्राम, पैरेलो माने दो लाइन होती है, ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बात समझ में आ गई। तो देखो, देखते हैं बहुत अच्छे से। तो हमें तो जो चीज पता होनी चाहिए, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आपको इस वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए, एडजेसेंट होता क्या है। तो अब जब हम पैरेललोग्राम का एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे, ये फिगर हमने ड्रॉ कर दी, पैरेललोग्राम का फिगर है आपको दिख रहा, ठीक है। अब हमें पता है ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, और ये साइड इस साइड की इक्वल भी होती है, ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। पहला, अब हमें पता है एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, तो हमें पता है किसी भी लाइन को उठा लो, कोई भी लाइन, चाहे इस लाइन को उठा लें, चाहे इसको पिकअप कर लें, चाहे इसको पिकअप कर लें, चाहे इसको, किसी भी पिकअप कर लें, दोनों के एंड पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे वही हमारे एडजेसेंट एंगल। अगर मैंने इसको उठाया तो ये एडजेसेंट एंगल हमारे, एक एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रेशियो, एडजेसेंट एंगल का रेशियो क्या दिया गया, हम दे सकते हैं गिविन, ध्यान रखना बच्चों ये लिख लेना आप, गिविन दैट इन क्वेश्चन, ठीक है, दिया गया। तो क्या दिया, एडजेसेंट एंगल्स रेशियो कितना दिया गया, 4:5। ये चीज आपको दी गई, बहुत ध्यान से बच्चों देखना, इतना ही मैंने कराया, कुछ आगे नहीं कराया। अगर आपको प्रॉब्लम तो तुरंत पीछे जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। तो जब रेशियो को अलग करते हैं तो ये एंगल होगा, मान लेते हैं ये एंगल फर्स्ट एंगल जो होगा वो क्या होगा, 4x हो जाएगा, कोई भी कॉन्स्टेंट उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एंगल जो 2 होगा वो क्या होगा, 5x होगा, ठीक है। अब इनमें से किसी को 4x, किसी को 5x, अब हमें पता है ये एंगल कम है तो इसे 4x मान लेते हैं, इसको 5x, ठीक है। अब अच्छा मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल सम आर 180, ठीक है बच्चों, बात समझ में। ये जो प्रॉपर्टी है आपको याद होना चाहिए, ये जो प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, किसकी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, कभी भूलना नहीं बच्चों, ये हमेशा याद रखना, एडजेसेंट एंगल का सम हमारा 180 होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कैसे होता है, आप पीछे जाएंगे तो रिवाइज करेंगे, आपको ये दिखेगा, जब ये पैरेलल लाइन है तो इसे आगे ड्रॉ करेंगे, इसे भी आगे हम ड्रॉ करेंगे, पहला लाइन कर लेंगे,
आपको बस बता रहा हूँ बेसिक, ठीक है। अब इसके ये लाइन जो कट करेगी, अब दो पैनल लाइन को ये लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इंटीरियर इंटीरियर एंगल सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल सम क्या होता है, 180 होता है। तो इन दोनों का सम ही इसी वजह से 180 होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल सम आर 180 इन, ये भी लिख रहे हैं, इन आ पैरेललोग्राम, ये भी सही है ना, हर किसी में लगा दो। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में ही होता है, ठीक है। अब भाई एडजेसेंट एंगल क्या है भाई, एंगल टू एंगल थ्री, ठीक है। तो एंगल टू एंगल थ्री एक्चुअल है क्या, 4x है और बच्चों 5x है, ठीक है, इक्वल टू 180। इतने इजी से बच्चे समझाएंगे आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 9x हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 टाइम्स कटेगा, ठीक है। एक्स स्क्वल टू हमारा 20 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 20 डिग्री आ गई, तो बच्चों ये देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 20 यानी कि 80 डिग्री, ठीक है। 5 × 20 100 डिग्री, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब हमारे जो एंगल ये 1 एंगल 2, हमें एंगल से एंगल 3 मान लेते, ऐसे एंगल 4 मान लेते, ठीक है, ठीक है। अब कह सकते हैं तो कौन से एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 100। तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 80 डिग्री, ठीक है। बस देखो सारे हैं तो लिख सकते हैं आंसर में, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर में आप लिख सकते हैं ऑल एंगल्स इन आ पैरेललोग्राम आर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से नाप लेते, 80, 100, 80, 100, ठीक है, 4 एंगल निकल आए, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही बेसिक तरीका है, बस रेशियो को अलग अलग डिवाइड सेपरेट कर लेना, ठीक है। सेपरेट करने के बाद उनका जो दोनों का सम 180 होगा, एक्स कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी है और उसमें हमें पुट कर देना है, दोनों की वैल्यू निकाली तो बाकी प्रॉपर्टी आपको पता ही, अपोजिट एंगल से हमारा ये सेम हो जाएगा, अपोजिट एंगल से हमारा ये सेम होगा, ठीक है। आप लिख सकते हो, ठीक है, हाँ लिख सकते हो, यूज कोई दिक्कत नहीं, जितना अच्छा लिख सकते हो, आपको अगर पता है अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे भी लिख दे, इतना भी आपको समझ, ये मेन जो चीज है वो ये मेन है, बाकी सभी तो निकल ही आएंगे, ठीक है, उनका एक स्टेप आगे यूज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा अलग स्टेप, उसके बाद जो पुराना स्टेप है उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइयो आपको ये समझ में आ रहा है, अगर किसी बच्चों को स्पीड स्लो लगती है तो यूट्यूब में फीचर्स है, आप उसे तेज कर सकते हैं। तो आपको अगर तेज लग रहा है तो यूट्यूब में ये भी फीचर्स है, आप उसे स्लो कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, हमारा वीडियो ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हो, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो टू अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर दैट दैट, ठीक है, जो टू अपोजिट एंगल की वैल्यू दी है वो हमारी दिस दिस दो चीजें देंगे, ठीक है। अब भाई एक चीज भाई यही बना लेते हैं ठीक है, पैरेललोग्राम ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया तो अपोजिट एंगल है कोई भी ले सकते हैं, हम ये दोनों अपोजिट्स की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपोजिट्स, थोड़ा लिख लेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, अपोजिट्स एंगल्स पैरेललोग्राम क्या हमारे 5x −21 कॉमा x +75, ठीक है।
अब हमें पता है कि ये 21 ये माना x प्लस 75, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, यूज अपोजिट, यही तो थी अपोजिट्स एंगल्स, अपोजिट्स एंगल्स, ये अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन हाफ पेन लोग, आई नो इतना लिख लेना, आई नो, आई नो हम जानते हैं, हम जानते हैं अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन पेनलोग्राम, अपोजिट्स एंगल यानी दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल, ठीक है, 5x माइनस 21 इक्वल टू एक्स प्लस 75, ठीक है, तो x हमारा लेफ्ट हैंड मूव करेगा, x माइनस 5x माइनस x और माइनस 21 राइट हैंड मूव करेगा, तो 75, तो ये माइनस का है तो इधर मूव करेगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों समझ गए, तो ये 4x ये हमारा हो जाएगा 96, ये कटेंगे तो 2r 4y 24, यानी x की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है, तो हमें ईच एंगल निकालना, तो पहले तो हम मान लेते हैं जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, अपोजिट एंगल क्या होंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होगी हमारे 5x माइनस 21 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 24 माइनस 21, तो ये करेंगे 5 4 20, 5 2 10 और 12 माइनस 21 यानी कि 99, तो हमारा ये 99 आ गया, ठीक है, अब ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो देखेंगे 24 प्लस 75 तो कितना आ जाएगा हमारा, ये भी 99, वेरी गुड, होना भी चाहिए दोनों इक्वल है, मैंने सॉल्व करे तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री को ऑटोमेटिक हो जाए। अब हमारा जो अदर एंगल, ए एंगल मान लेते हैं हमारा ए, एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल जो ए होगा, एंगल जो होगा एंगल ए 180 माइनस 99 होगा, ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी हमारा 1 1, और हमारा 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा, ठीक है, ठीक है, तो एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल बी की वैल्यू भी 81 हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी लगाई वो कौन सी बच्चों, ये इन दोनों का सम जो होगा वो हमारा कितना होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है, तो वही लगाई, ठीक है, यूज एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैं सारे एंगल निकालिए, ये हमारा ये, अरे ठीक है, बस ये चीज थी, क्वेश्चन अच्छा था, बस थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन था बहुत इजी, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप एक बार इसे दोबारा से देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पे मूव करते हैं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो क्लिक सब्सक्राइब बटन और आल्सो शेयर, ठीक है, चलो
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल, आपको इससे प्रॉफिट ही मिलेगा, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प ही होगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो अगर आपको लगता है ये चैनल हमारा यूजफुल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और क्या पूछा गया देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू एडिशन साइड, मतलब दो साइड का रेशियो दिया, वो कौन सी साइड, एडिशन साइड, आपको उसके बारे में भी बताया था। स्टार्टिंग में जब मैंने इस क्वाड्रेटर को स्टार्ट किया था ना, तो सारी चीज मैंने बेसिक डिटेल से बता दिया था कि ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती, जो कुछ बचा था वो अभी बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्वाड्रेटर ड्रॉ किया, कौन सा ब्लैक लेते हैं, ब्लैक सही रहता है, ठीक है। ये मैंने क्वाड्रेटर ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। क्वाड्रेटर में क्या होता है कि हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे किसकी बात, दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, दो एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो कह रहे एडजेसेंट साइड का रेशियो क्या दिया, एडजेसेंट ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या हमारी 7:9, तो साइड से क्या हो जाएंगी हमारी, साइड से खोलोगे 7x और 9x, तो एडजेसेंट साइड क्या होती है, हमें यहां से लेते ये साइड और ये साइड दोनों हमारी एडजेसेंट है, ये 7x हो जाएगी, ये 9x हो जाएगी, ओके। अब हमें पता है कि ये भी 9x हो जाएगी और ये भी 7x हो जाएगी, क्योंकि ये तो आमने सामने इक्वल होती है, ठीक है। पेरीमीटर हमें 96 दिया, तो पेरीमीटर पैरामीटर ऑफ पैलोग्राम बच्चों, ठीक है, कह दिया। और पैरामीटर होता क्या, सारी साइडों को ऐड कर दो, 9x 7x 9x और 7x इक्वल टू, इसको ऐड करो, गेट द 18x 14x, हमारा 32x, तो हमारे कितने टाइम कट जाएगा भाई, थ्री टाइम्स कटेगा आई थिंक, हाँ थ्री टाइम्स काटेंगे, ये थ्री टाइम्स कटेगा, एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब पूछा क्या था भाई, फाइंड द साइड्स, साइड्स से हमारी क्या हो जाएंगी, 7 × 3 9 × 3, तो हमारी ये कितने हो जाएंगी, 21 और 27, तो जो साइड्स हो जाएंगी, साइड्स ऑफ पैलोग्राम, साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर आर क्या हो जाएंगे हमारे 21 21, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 21 27, फिर हमारी ये 21 फिर हमारी 27, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से समझा गया, अभी नहीं आया तो आप ऐसे एक दो बार रिपीट कर लो, सारा कुछ आपके समझ में आने लगेगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखना कैसे करते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं इसमें करना क्या, कि हम कुछ और कर बैठे, कभी क्या होता है क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है, कर हम कुछ और देते, बहुत बच्चों के साथ होता है, जिसके साथ होता है वो कमेंट में जरूर लिखा है कि मेरे साथ सर होता है, वो एक ही वजह से होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया वो हम सही से पढ़ते नहीं है, कि हमसे पूछा गया गया, ठीक है, ऐसी ऐसे क्वेश्चन में हो जाता है। स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वालिटर, जो हमारे क्वालिटर दिए गए हैं आर पैलोग्राम और नॉट, मतलब वो पैलोग्राम है कि नहीं, उसका गिव रीजन भी बताइए भाई क्यों नहीं है। तो चलो मान लेते हैं, ये देखो ये और ये इक्वल, ये और इक्वल, हमें पता है ये पैलोग्राम है, यस, ठीक है, क्यों है तुम पता है, द डायगोनल्स बाईसेक्ट, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पे काटते हैं बस, ठीक है।
दूसरे में देखें भाई, ये भी भाई ऐसा क्यों है भाई? अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बस ये भी भाई ऐसा क्यों है बच्चों? यस, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बस इतना करना है बस। अब इसमें बच्चों क्या देख रहे हैं, ये साइड हमें तो पैनल दी गई है, इस साइड के बारे में कुछ नहीं कहा, ये पैनल है नहीं, हमारी दोनों साइड पैनल होती है, ठीक है। और ये एंगल तो दिया गया, हमें से कोई मतलब नहीं, नहीं करते हैं जो दिया, तो हम क्या करते हैं, नो अपोजिट्स साइड्स आर नॉट पैरेलल, यहाँ लगे वन पेयर, यहाँ सही है वन, यहाँ लगे वन पेयर, एक तो पेयर है वन, लिख रहे हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये भी नो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बच्चों? हमें हाँ पता, द डायगोनल्स डायगोनल्स नॉट इज नॉट, ले लो ठीक है, डायगोनल्स इज नॉट डू नॉट बाइसेक्ट अदर, ठीक है। जो डायगोनल से हमारे वो कट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारा नो, ठीक है, इसमें नो क्यों है भाई? कि एक ही पेयर इक्वल दिया, दूसरा पेयर हमारा इक्वल नहीं दिया गया, तो क्या ना वन पेयर ऑफ पैरेललोग्राम इन पे वन पेयर ऑफ अपोजिट, ये सही, अपोजिट एंगल आर नॉट इक्वल, ठीक है। बस इतना इसमें लिखना, तो कुछ वहां में आपको फारसी नहीं लिखनी जो टीचर आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो बस इतना करना था, ये आपकी फिनिश हो गई। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आई होप आपको जो मेरी जो मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो आपको पसंद आ रही तो अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव से इस चीज को जरूर शेयर करो, आराम से वो घर बैठ के अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 7 बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कैसे करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने ये पार्ट बना दिए, वैल्यू शायद हमने किसी पे नहीं लिखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा लिखने के लिए, क्या जा रहा, ठीक है। ये हमारा 5a-13 है, 10b-3 है, 3a-5 है, और ये 8b है। इसमें क्या बात, ये एंगल जो है 5b+6 है, ठीक है, ये 4a-8 है, ये 8a-10 है, ठीक है। ये एंगल हमें दिया नहीं, 3 एंगल दिए हैं, ठीक है, और ये हमारा दिया, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपोजिट्स अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो साइड है साइड के इक्वल हो जाएगी, नहीं 8b किसी को कर लो भाई, इन्हीं को कर लेते, ठीक है, 8b इक्वल टू 10b-3, ठीक है। अब हमारा 3 इधर आएगा, 8b सॉरी 10b-8b, ठीक है, ये 3, ये हमारा 2b, ठीक है, b इक्वल टू हमारा 3/2
और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, 3/2, बी की वैल्यू निकल रही 3/2। ठीक है, अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए के लिए हम स्क्वायर लेंगे भाई भाई बराबर। ठीक है, ये इधर मूव करेगा लेफ्ट हैंड पे, ये उधर जाएगा प्लस का। इन सॉल्व करो 2, इन्हें सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा हमारा, 3/8, तो ए की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो बस यही निकालना है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, ये ए और ये मेरे क्या एडिशन एंगल का सम कितना होता, 180 होता, उसी को सॉल्व करेंगे। एडिशन एंगल्स सम आर 180 इन आ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 4a-8 प्लस 8a-10। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो 180 के बराबर होना चाहिए, कितना हो जाएगा 12a-18 180, 12a-180 प्लस 18। ठीक है, 12a इनको ऐड करें तो 1198। ठीक है, 12 से काटेंगे नहीं हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 10 ही था, देख लेते एक बार, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 8 माइनस का 10 ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब काटेंगे 12 से, 12 बार कितना बचा हमारा, 12 से डिवाइड देंगे तो हमारा 19, यानी कि 19 हमारा बचेगा 6। ठीक है, सॉरी 7 बचेगा, ठीक है 7 बचेगा, तो 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 करें 6 बार, कितना बचेगा 6, यानी 6 बचेगा। ठीक है, इतना आ जाएगा 16 1/2, ये आ जाएगा, और ये भी आ सकता। ठीक है, अब भाई वहां क्या निकाला भाई, वो भी तो निकालना। ठीक है, हमें बी की वैल्यू भी तो निकालनी। ठीक है, हम ये अगर ये एंगल निकाल लें तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो भाई देखते भाई इसमें ही पुट कर लेते। ठीक है, यहां कर लेते, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसको सॉल्व यहां सॉल्व कर लेते 33। फोर टाइम्स फोर 12, और ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, बात समझ में आ गई, इनकी जो एंगल जो होगा भी कितना होगा 1 2 2। एक बार फिर देख लेते हैं, 16 2 जा 32 33 33/2, 2 से 2 कटे, 2 से ये 4 बार कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 13, 10 माइनस कर देंगे तो हमारा 22। अब बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ कर लेते, ठीक है, इसको यहाँ, ये हमारा स्पेस है। ठीक है, बहुत ध्यान, आपका जो होगा हमारा 22 जो होगा वो हमारा 8b+6 के होगा। ठीक है, 6 माइनस करो तो हमारा कितना हो जाएगा,
वन वन ये हमारा टू, सॉरी 116 हो जाएगा, 116 अपॉन फाइव। ठीक, v की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, v की वैल्यू निकालनी तो 116 अपॉन फाइव, यानी कि टू बार जाएगा, थ्री जाएगा, वन अपॉन फाइव। ठीक है, ये आंसर है, यानी कि बी की वैल्यू इतनी आ जाएगी और ए की वैल्यू इतनी आएगी। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जब सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा। 180 से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकालेंगे। अब ए की वैल्यू जब इसमें रख देंगे, ये एंगल बराबर है, तो ये एम ए रखेंगे तो ये हमारा 122 आ जाएगा, 122 आ जाएगा, तो फर हम ये। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इन दोनों को 180 में से माइनस कर सकते हैं, तो ये एंगल निकल आएगा, तो तब भी वी की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो वी की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमने ये एंगल निकाल के इसके इक्वल कर दिए, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लें आंसर। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें जो आंसर है ना वो ऐसे दिया गया, पॉइंट में दिया गया। ठीक है, तो ये अरे वन है, ठीक है ना, 10 समझ लेना। ठीक है, जाएगा तो ये हमारा टू बार चला जाएगा। ठीक है, ये और ये दिया गया, ठीक, इसमें ये हमारा पॉइंट में दिया, 1.5 पॉइंट में दे दिए, एंगल्स पॉइंटों में कम दिए जाते हैं, होल में दिए जाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो दो चीजें हैं, इसको इक्वल लो, इनको लोगे तो यहाँ ए है यहाँ बी, सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है, तो डायगोनल्स हैं, डायगोनल डायगोनल्स बाइसेक्ट बाइसेक्ट। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हमारा 5b-7=3b प्लस सिक्स। ठीक है, तो ये 7 माइनस होगा तो 5b-3b, ये 6+7। ठीक है, ये 2b, ये 13, यानी कि b की वैल्यू जो आएगी हमारी 6.5 आ जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू 6.5 आ गई तो इसके इक्वल रखेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3 × 6.5 -5, तो 6 3 5 15, 18 हो 19। ठीक है, -5 तो हमारा 14.5, सॉरी 14, हाँ सही सही, माइनस किया 5। ठीक है, 14.5 आ गया। अब ये 14.5 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 14.5 ए का डिवाइड और कर देंगे तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी 7 2 5, गॉट इट, तो ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा होगा, नहीं लगा है तो एक दो बार देखो, सारा कुछ अच्छा लगने लगता है। पढ़ाई में तो मजबूरी में पढ़ाई करनी करते हैं, और कुछ लोग इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो करनी है। अगर लाइफ में अगर आप 12 या 13 14 ईयर्स के, तो पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई से आप सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन तो फिनिश ही हो गए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मूव करेंगे, एक्सरसाइज 10D। बने रहिए, देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इस चैनल तक पहुँचाइए, जो उन लोगों का भी प्रॉफिट हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।